नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज, रेस्टोरेंट क्लाउड किचन के व्हाट्सएप ग्रुप की वीडियो में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन है निशांत का। निशांत के दो क्वेश्चन है, हाउ डज रेस्टोरेंट गेट वेजिटेबल एट फिक्स प्राइस, और दूसरा इनका क्वेश्चन है हाउ वी कैन मैनेज अवर रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन रिमोटली। अब सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर जो वेजिटेबल के फिक्स प्राइस का है, यहाँ पे जो होटल्स और रेस्टोरेंट क्या करते हैं, वो कांटेक्ट कर लेते हैं जो भी वेंडर या सप्लायर से होते हैं। जो कांटेक्ट हो सकता है कि 3 महीने का हो चाहे 1 साल का हो, आपके ऊपर डिपेंड होता है। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो एक प्राइस फिक्स कर देते हैं, भाई मार्केट में जो भी हो, आग लग जाए मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको अगर प्याज 100 रुपये में बोल रहा हूँ तो 100 रुपये में ही दे के जाऊँगा। सस्ता हो जाए मार्केट में तब भी मैं आपको इतने का दूंगा, मार्केट में महंगा हो जाए 200 रुपये का हो जाए तब भी मैं आपको 100 रुपये का ही दूंगा। तो इस प्रकार से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बकायदा रिटर्न में कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको आपको जो प्राइस हैं वो फिक्स्ड ही देंगे जब तक आपका कांटेक्ट है, चाहे 3 महीने का है चाहे फिर 1 साल का है। दूसरा इनका क्वेश्चन था कि हम लोग रिमोटली कैसे काम कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि अगर आप एक क्लाउड किचन रेस्टोरेंट चला रहे हो और साथ में आपका कोई और बिजनेस है, आप रिमोटली काम कर सकते हो, बशर्ते आपको ये पता हो कि आपके रेस्टोरेंट में क्या चीज़ें हो रही है। अगर आपके पास आपकी SOPs हैं, आपके सिस्टम्स हैं और ये दो होने के बावजूद आपकी टीम अच्छी है और तीनों चीज़ों को आप इजीली रिमोटली मैनेज कर पा रहे हो, तो आप इस चीज़ को रन कर सकते हो, नहीं तो आप उसको कभी भी रन नहीं कर पाएंगे। आपको नहीं पता है SOPs क्या होती है, फूड कॉस्ट क्या होती है, तो कभी भी आप अपने बिजनेस को रिमोटली रन नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि जैसे मैं एक जो लास्ट मेरी कंपनी थी, मैं कॉरपोरेट शेफ था उसका और हमारे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग यूनिट्स थी, कोई हॉस्पिटल था, कोई रेस्टोरेंट था, कोई क्लाउड किचन था, तो वहाँ पे जो भी डेली एक्टिविटीज़ होती थी वो सारी की सारी चीज़ें हमको एक्सेल शीट्स के द्वारा सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग उनसे जो डेली का डाटा गैदर करते थे और हम लोग उसको देख के समझ के उनको गाइडलाइंस देते थे। तो सेम अगर आपने इस प्रकार की गाइडलाइंस, इस प्रकार की एक्सेल सीट्स, इस प्रकार की ट्रेनिंग्स क्रिएट करके रखी हैं जो कि आप अपने काम करने वालों से ले सकते हैं और उनको एनालाइज करके उनको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ें गलत हो रही है, ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें कम करनी है, ये चीज़ें ज़्यादा करनी है, तो आप अपने बिजनेस को रिमोटली मैनेज कर सकते हैं। बाकी और कोई ऐसा जादू का मंत्र नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि इन चीज़ों से आपको कर पाए। आपको पहले खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा, ताकि आप किसी बंदे को हायर भी कर रहे हैं तो वो आपके लिए ये सारी चीज़ें कर पाएं। उम्मीद करता हूँ निशांत आपको जो ये क्वेश्चन है उनका आंसर मिल गया होगा और आप बिजनेस को अपने अच्छे से रन करेंगे। चलिए जी, जय हिंद।